क्यों? अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज, आज की फर्स्ट स्टोरी हमारे पास बबलू टीन वुल्फ के बारे में है। शायद आप लोगों को याद होगा कि बबलू टीन वुल्फ ने अपने चैनल पर जो लास्ट स्ट्रीम की थी, उस स्ट्रीम में कहा था कि वो अब PMPL पाकिस्तान स्प्रिंग 2023 से पहले कोई स्ट्रीम्स वगैरह नहीं करेंगे। तो अब इन स्ट्रीम से रिलेटेड बबलू टीन वुल्फ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, लाइव स्ट्रीम हो जाए अगेन। तो गाइज, आप लोगों में से जो भी चाहता है कि बबलू टीन वुल्फ दोबारा से स्ट्रीम्स वगैरह करें तो उनकी स्टोरी पर जाकर रिप्लाई जरूर करें। तो गाइज, आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास टीम रेज से रिलेटेड है। T20 स्पोर्ट्स की तरफ से T20 PMPL शोडाउन जो करवाया जा रहा है उसमें टीम रेज MGS के टैग से हमें खेलती हुई दिखाई दे रही थी। तो जहां तक मुझे लगता है MGS टीम रेज को स्पॉन्सर करने वाली है। और इसी लाइव स्ट्रीम में टीम रेज पर कास्टर का क्या रिएक्शन था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने टीम रेज के सारे इन गेम नेम देखे थे एंड टीम रेज सारे मैग्नस के नाम से आ चुके हैं। yes. क्या आप कुछ नया कुछ स्पाइस चीजें देखने को मिलने वाली हमें? बिकॉज वी ऑल नो 141x मैग्नस आर दी वन जो कि मैग्नस की प्लेयर मैग्नस की टीम को रिप्रेजेंट करेंगी, बट टीम रेज जो कि टीम रेज रहने वाली थी बट नॉट सो एनी मोर मैग्नस के टाइटल से, इनफैक्ट मैग्नस के नाम के साथ, मैग्नस के स्क्वाड के नाम के साथ वो लोग आए जरूर हैं। तो व्यूअर्स को मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो गाइस, आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास 52x छोटू से रिलेटेड है। इसी T20 PMPL शोडाउन में 52x छोटू ने 3x e-sports पर 1v4 किया जो कि बहुत ही एपिक था। उस स्ट्रीम का वो पार्ट मैं आप लोगों को यहां पे प्ले करके दिखा देता हूं। पूरी स्ट्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आर द ओनली टू प्लेयर सर्वाइविंग टॉरिक्स। बिल्कुल, जिया के लिए आखिरी दो प्लेयर रहने वाले हैं, लेकिन छोटू भी अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइविंग प्लेयर रहते हैं। एक नहीं दो प्लेयर को नॉकडाउन किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ द टीम 3x। तीसरे प्लेयर एंटर करेंगे लेकिन उनको भी गाड़ी से गिराया जाएगा। चौथे प्लेयर के ऊपर रिटेलिएशन शॉट, लेकिन दिस टाइम अराउंड वो प्लेयर लकी इनफ रहते हैं कि वो रिटेलिएशन शॉट का शिकार नहीं होते। ऐश के हाथ में ग्रेनेड है, दूसरी तरफ छोटू के हाथ में वो भी ग्रेनेड रहने वाला है। ही विल थ्रो दैट आउट, लेकिन नहीं, दोनों प्लेयर की तरफ से थ्रो नहीं किया जाता। ग्रेनेड जो कि है कुछ हद तक डैमेज भी नहीं प्रोवाइड कर पाता प्लेयर को, लेकिन छोटू राइट नाउ वो ये ग्रेनेड थ्रो करेंगे, घर के अंदर जाएंगे, ग्रेनेड पड़ेगा, प्लेयर का एलिमिनेशन मिलेगा और एक कंप्लीट 1v4 अगेंस्ट टीम 3x। ये अकेले प्लेयर नाम छोटा काम बड़े करके जाते हैं और आखिरी का किल जो कि इन्होंने एक ग्रेनेड से एलिमिनेशन ली है, amazingly done, मैं कहूंगा एक तबाही यहां पर से जरूर मचा दिया। और गाइस, इसके बाद 52x छोटू का POV और टीम का क्या रिएक्शन था वो भी मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। जी आसानी से तो नहीं बल्कि कुछ कम आसानी से इस जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस ओवर कर सके, लेकिन हसन विद द नेड एंड मॉलोटोव कोशिश करेंगे यूटिल्स के बेस पे टीम इकोनॉमिक साइड को परेशान हैरान किया जाए, बट ब्लेड एंड IQ का डुओ मूविंग हो रहा है। फोफो प्लेयर को नॉक डाउन करते हैं, जल्दी मॉली से IQ डैमेज लेके पीछे जरूर आ रहे हैं बट ब्लेड को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा कि वो रिवाइव को टच डाउन कर चुके हैं। हालांकि वो भी AFL पे आ चुके हैं लेकिन फाइट लेने के लिए मजीद और आगे बढ़ते हैं, उनको भी शट डाउन किया जाता है हसन की जानिब से। टीम इकोनॉमिक साइड हैव बीन एलिमिनेटेड, कल के कंट्रोल में रहने वाली नॉर्थ ईस्ट पोस्ट सर्कल में एंट्रेंस ले सकती है पर उनको फाइट में मुतला होना पड़ेगा, लेकिन क्यूवर्टी के प्लेयर्स वर्सेस टीम बबलू द फाइट ऑफ द टाइटंस शुरू हो चुकी है। वॉल्ट्रिच विद द नेट 3 किल ऑलरेडी रहने वाले के मॉली करते हैं, प्लेयर आ सकते थे उस मॉली में पर 52 वर्सेस टीम 3x भी वाले वॉल्ट्रिच उतरेंगे, टीम वर्स को नॉक डाउन किया जाएगा एंड ऑलरेडी द प्लेयर ऑफ टीम बबलू आर ऑन फायर। पेन को बिल्कुल फिक्र नहीं है कि वो फायर में रहने वाले हैं, ही इज लाइक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रिवाइवल रहने वाली, बिकॉज क्यों नहीं, क्योंकि रहने वाले थे लेकिन वॉल्ट्रिक्स उनको मौका नहीं देते हैं, कंप्लीट क्लचेस इट आउट। तो गाइस, आज की ये वीडियो बस इतनी सी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you.